हेलो गाइस, वेलकम टू नताशाज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई इडली से फ्राइड इडली की रेसिपी। फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और एक ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 2 स्पून के आसपास ऐड कर दिया है। 1 स्पून ज़ीरा ऐड करना है। जब ज़ीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, सारा ज़ीरा इवनली कुक हो जाएगा, तब हम इसमें आगे के मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 स्पून से भी कम हींग ऐड कर दिया है। हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा इन्हेंस करता है। 1 स्पून मस्टर्ड ऐड कर दिया है, सरसों के दाने भी बोल सकते हैं। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, पूरा अच्छे से उनको हमको क्रैक करना है, चटकाना है मसालों को, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तब हम इसमें सूखी हुई मसाले ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसमें स्लिट करके हरी मिर्च मैंने ऐड करी। हरी मिर्च आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और कड़ी पत्ता इसमें मस्ट होता है, तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, आप ज़रूर से कड़ी पत्ता इसमें ऐड करें। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से, मसाले को हमारे को अच्छे से इसको रोस्ट करना है। और फिर उसके बाद ये मैंने रात की बची हुई इडली थी, इनको मैंने 1 इडली के 4 पीस कर लिए। आप आपके अकॉर्डिंग छोटे बड़े इनके पीसेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगती हैं ब्रेकफास्ट में, जब आप इनको सॉस के चटनी के साथ खाएंगे। तो ये सारी की सारी कट करने के बाद मैंने वो मसाले में सारी की सारी इडली मैंने ट्रांसफ़र कर ली है। बस इनको हम फटाफट से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बची हुई इडली से नाश्ता बनके तैयार होता है। खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसको बना सकते हैं, चाहे तो इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे हम। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। इडली में भी नमक होता है, तो थोड़ा सा हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैं 1/2 स्पून से भी कम मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और 1 स्पून से कम इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, थोड़ा चटपटा फ्लेवर देने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इवनली, कि सारे मसाले हर इडली में अच्छे से कोट हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी की सारी इडली में अच्छे से मिक्स करना है। अब इनको हमको स्टीम करना रहेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, जिससे ये हमारी इडली अच्छे से कुक हो जाएंगी, अदरवाइज ये चिपकने लगेंगी। तो थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए चारों तरफ से इडली में, कि ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा। और इसको ढक के हमें 10 मिनट के लिए मीडियम से भी लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारी इडली अच्छे से स्टीम हो गई हैं, गर्म हो गई हैं और सॉफ्ट भी हो जाती हैं काफ़ी इस प्रोसेस से। और हमारा ये ब्रेकफास्ट एकदम बनके तैयार है। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में अगर हो सके तो आप पाव भाजी मसाला ऐड कीजिएगा। पाव भाजी मसाला से ये काफ़ी सुपर टेस्टी बनके तैयार होती है। तो हमारी फ्राइड इडली रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।